आज हम एक गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे जिसमें राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे पास पुख्ता सबूत हैं जिनसे ये स्पष्ट होता है कि प्रदूषण बोर्ड ने बालोतरा के लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान हाईकोर्ट और एनजीटी के आदेशों के अलावा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि एनपीसीबी के दिशा निर्देशों की भी अनदेखी की जा रही है। बालोतरा स्थित औद्योगिक फैक्ट्रियों का दूषित पानी सीईटीपी ट्रस्ट की ओर से एचआरटीएस प्लांट से लूणी नदी में गिराया जा रहा है। ये स्पष्ट है कि इस अभियान ने अपने कर्तव्यों में पूरी तरह से असफलता दिखाई है। सच बेधड़क की टीम ने बालोतरा में इस गंभीर मुद्दे का खुलासा किया है। प्रशासनिक मिलीभगत से लूणी नदी, जिसे मरुगंगा कहा जाता है, अब इसे प्रदूषित किया जा रहा है। जब हमने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव एन विजय से जानकारी मांगी तो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन ये सिर्फ एक औपचारिकता ही साबित हुई। जानकारी भी मतलब कुछ शिकायत अभी वर्धमान में प्राप्त किया है, तो हम एक टीम भेज के इसको एक बार चेक करके तो इसके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। क्योंकि एमएलए ने भी सीएम साहब को अवगत कराया था कि इस तरह से हो रहा है, तो ये मॉनिटरिंग में कहीं कमियां रही क्या है? मॉनिटरिंग तो हम निरंतर रूप से हम कर ही रहे हैं, क्योंकि अपना बालोतरा का क्षेत्रीय कार्यालय भी है उधर, ये वहाँ का कितना भी सीटीपी से मतलब वहाँ सीटीपी बालोतरा है, सीटीपी जसोल है, सीटीपी बिटूजा है, सभी तरह के सीटीपी है, उसका संचालन करने के लिए एसपीवीस भी है। ये तो इस तरह से शिकायत अभी वर्धमान में प्राप्त हुआ है, मतलब नॉट एक दो दिन के पहले ही है। हम इसको एक बार हेड ऑफिस अभी हम एक टीम भेज कर एक बार चेक कर लेंगे ये, और उसके लिए इसमें कुछ अगर नदी में अगर छोड़ रहे हैं आवश्यक रूप से हम कार्रवाई कर लेंगे इसको। अच्छा, एनजीटी का कोई रूल छाया हो वहाँ के लिए? एनजीटी का जनरल डायरेक्शन है, मतलब कहीं भी मतलब आपको मतलब बिना अनट्रीटेड मतलब अनट्रीटेड को कोई भी एफ्लुएंट्स को आप नदी में नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब इसके लिए। तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो छोड़ रहे हैं? यदि शिकायत सही है आवश्यक रूप से हम नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे इसमें। बाद में सच बेधड़क न्यूज की टीम ने ट्रस्ट के भेजे गुंडों के बीच विपरीत परिस्थितियों में लूणी नदी में प्लांट से रासायनिक पानी गिराते दिखाया। चैनल की एक टीम ने जब सचिव एन विजय और बोर्ड अध्यक्ष अर्पणा अरोड़ा से सवाल पूछने का प्रयास किया, लेकिन गार्डों ने हमें अंदर जाने से रोक दिया। ये दर्शाता है कि विभाग कुछ न कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। बोल रहा इधर नहीं करना है। किसने मना किया है? मना ही है सर, मैडम का आदेश। मना कर रही है, मीडिया अंदर तक नहीं आएगा क्या? नहीं, इधर नहीं करो ना, उधर करो ना सर, साइड में जाके। जब हमने बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया तो हमें भी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उनकी ये प्रतिक्रिया उनकी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीरता को दर्शाती है। जब जिम्मेदार लोग ही गैर जिम्मेदार हो जाए तो आम जनता का स्वास्थ्य और पर्यावरण कैसे सुरक्षित रह सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयासरत है, जबकि लापरवाह अधिकारी ऐसे कृत्यों से सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बालोतरा के लूणी नदी के अंदर जिस तरह से औद्योगिक से जहरीला पदार्थ नदी के अंदर प्रवाहित किया जा रहा है बिना किसी साफ सफाई के, उसके बाद जैसे ही सच बेधड़क की टीम ने इस मामले को उठाया, उसके बाद राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंदर हलचल है। हमारी टीम ने यहाँ पर कवरेज किया और अधिकारियों से जानना चाहा कि किस तरह से वो अपने कार्य को निभा रहे हैं। ऐसे में उनकी कार्यशैली पर सवाल निशान खड़े होते हैं, जिसकी खबर सच बेधड़क ने प्रमुखता से चलाई। ऐसे में पूरा विभाग सकते में आ गया है। आज हमारी टीम को एंट्री गेट के अंदर प्रवेश करने से रोक दिया गया। वहीं हमने जब अधिकारी से बात करना चाहा तो सिक्योरिटी गार्ड ने ये कहा कि अभी अधिकारी मीटिंग के अंदर व्यस्त है। ऐसे में प्रेस को रोकना कहीं ना कहीं इनके कार्यशैली पर सवाल निशान खड़े करता है। आखिरकार मीडिया से क्या छिपाया जा रहा है? कैमरा पर्सन हरिशंकर त्यागी के साथ मैं प्रमोद कुमार, सच बेधड़क, जयपुर।